हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखे पेल्टन व्हील देखेंगे। पेल्टन व्हील जो टर्बाइन होती है उसको इंपल्स टर्बाइन बोलते हैं। इंपल्स टर्बाइन इसको ऐसा बोलते हैं कि ये जो पे टर्बाइन का रोटेशन करवाया जाता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ नोजल। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ नोजल की वजह से ये पूरा टर्बाइन है वो रोटेट होने वाला है। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इंपल्स टर्बाइन। और इंपल्स टर्बाइन में ये टर्बाइन है जिसका नाम है पेल्टन व्हील टर्बाइन। ठीक है, तो किस तरीके का होता है उसका बेसिक डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। तो ये आप पूरा का पूरा जो ये बाहर का पार्ट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड केसिंग। केसिंग का मतलब क्या होता है, टर्बाइन को उसने कवर करके कर रखा हुआ था। क्यों करके रखा हुआ था, दैट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द आउटर साइड पर्सन एंड सेफ्टी एंड फॉर द टर्बाइन इटसेल्फ, के बाहर की कोई चीज अंदर ना आनी चाहिए और अंदर की कोई चीज है वो अगर कुछ हो जाता है तो बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वाटर का स्प्लैशिंग नहीं होना चाहिए, स्प्लैशिंग यानी वाटर के छींटे बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है, सो इट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ टर्बाइन। द केसिंग टर्बाइन इज कवर्ड विथ आउटर सेल दैट इज कॉल्ड केसिंग। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, ये आप पैन स्ट्रोक देख रहे हैं। अभी ये टर्बाइन है, दिस इज कॉल्ड टर्बाइन। अब कैसा है टर्बाइन को, इस पूरे चीज को बोलते हैं रनर। ये पूरा व्हील देख रहे हो, दिस इज वन व्हील और इसके ऊपर ये सारी ब्लेड्स लगी हुई है, दिस इज ब्लेड्स। सो ये व्हील और उसके ऊपर लगी हुई ब्लेड इसको बोला जाता है रनर। सो ये पूरी चीज है रनर है जो रोटेट होने वाला है। ठीक है, और यहां पे शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये लगाया गया होता है ताकि इसकी रोटेशन है वो शाफ्ट को मिल पाए। ठीक है, सो दिस इज रनर शाफ्ट। सो ये रनर किसको बोलते हैं, तो ये पूरा व्हील है उसके उसके ऊपर जो ब्लेड लगाई हुई होती है इसको बोलते हैं रनर। ठीक है, और इसकी जो ब्लेड्स होती है, इसकी जो सारी ब्लेड्स होती है उसको बोला जाता है बकेट। क्या बोला जाता है, बकेट इज नथिंग बट दी ब्लेड। ठीक है, इसकी ब्लेड कैसी होती है इसका मैंने पूरा डिटेल में मैं आपको यहां पे वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आएगा। सो मैं आपको पिन कर दूंगा, आप वहां पे नीचे कमेंट में पिन किया होगा वो देख लेगा। मैं सारा का सारा यहाँ पे जो भी मैं इसकी ब्लेड कैसी होगी उसका मैंने इमेज डाल के रखा हुआ है। तो पहले थियरी समझ लो, फिर अच्छी तरीके से इसकी ब्लेड कैसी होगी वो पिन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से देख लेना है। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये पेन स्ट्रोक है। सो पेन स्ट्रोक क्या होता है, वो पाइप होती है जहां पे वाटर को कैरी करती है। सो लाइक दिस, इसमें वाटर होता है, फिर ये क्या है, ये नोजल है। सो दिस इज नोजल, दिस इज पेन स्ट्रोक। सो ये क्या होगा, नोजल, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला फ्लूइड यहाँ पे लगाएगी। और ये जो ब्लेड होती है लाइक दिस, इसकी इस तरीके से कर्व्ड शेप होती है लाइक दिस। सो ये जो कर्व्ड ब्लेड है तो यहाँ पे टेनजेंशियली वाटर आएगा, जो भी आएगा इसका टेनजेंशियली आएगा लाइक दिस, इसके टेनजेंशियली लगेगा। सो इसको ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसकी ब्लेड कुछ इस तरीके से होती है लाइक दिस। सो इसको टेनजेंशियली यहाँ पे लगेगा। सो इसलिए टेनजेंशियल फ्लो टर्बाइन को भी हम पेल्टन व्हील टर्बाइन बोलते हैं। सो इसको यहाँ पे वाटर स्ट्रोक लगेगा, जैसे ही ये ब्लेड आगे जाएगी दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी जाने के बाद तीसरी, इस तरीके से उसका पूरा रोटेशन है वो चलता रहेगा। अभी ये वाटर यहाँ पे एक बार यूटिलाइज हो गया उसके बाद कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा नीचे, यानी कि ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू इसको टेल रेस में पहुंचा जाएगा जहां पे वाटर हम स्टोर करते हैं, ये यूज होने के बाद चला जाएगा। तो ये हमें टेल रेस दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज आपको नई दिखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पीयर। अब ये स्पीयर क्या है, तो देखिए पूरा नोजल ही ये कॉनिकल शेप वाला आपको दिख रहा है, दिस इज कॉनिकल शेप। ठीक है, इसको पीछे ऐसे किया होता है। अब क्या होगा कि जब ऐसी चीज आ जाएगी, जब मुझे वाटर को कम भेजना है क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट कम है, तो वाटर को कम भेजना है, तो क्या होगा, ये कॉनिकल वाला पार्ट है ना आगे चला जाएगा नोजल के। सो ये नोजल के कॉनिकल वाला पार्ट आगे चला जाएगा ना, तो वाटर का जो बाहर जाने वाला एरिया है उसको कम कर देगा। ठीक है, सो वाटर, ये नोजल का जो एरिया है उसको कम कर देगा, ये आगे चला जाएगा कॉनिकल वाला पार्ट, तो आपका जो वाटर निकलेगा वो कम निकलेगा। तो इससे आप वाटर फ्लो का अरेंजमेंट है, इसको वाटर फ्लो का आप रेगुलेट कर सकते हो। अब मान लो कि कुछ अब ऐसा है कि मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसको हम पीछे ले लेंगे। ठीक है, गवर्निंग मैकेनिज्म होता है, इसको हम पीछे ले लेंगे। तो इसको पीछे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नोजल का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। सो ज्यादा वाटर है वो स्ट्राइक होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। तो स्पीयर इज यूज फॉर द वाटर फ्लो रेगुलेशन अरेंजमेंट। सो ये आगे निकलेगा बाहर जाएगा, ये कॉनिकल शेप वाला होता है, इसको बोलते हैं स्पीयर। ठीक है, वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड चीज यहां पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग जेट नोजल। अब ब्रेकिंग नोजल क्या होता है, इसको ब्रेकिंग जेट भी बोलते हैं। ये ब्रेकिंग जेट या ब्रेकिंग नोजल होता क्या है कि जब आपका ये टर्बाइन का रोटेशन स्टार्ट हो गया, बोलो, ठीक है, अब आप उसको बंद कर रहे हो, अब उसको बंद कर रहे हो तो तुरंत तो ये टर्बाइन का रोटेशन बंद नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी इनर्शिया की वजह से फिर भी इनर्शिया होगी तो रोटेशन तो थोड़े समय तक तो चालू होगा, उसके बाद बंद होगा। तो मान लो उसको मुझे ऑल ऑफ सडन उसको स्टॉप करवाना है, ठीक है, यहां से वाटर तो बंद कर दिया लेकिन अभी घूमेगा तो सही वो अपने इनर्शिया की वजह से, उसको मुझे ऑल ऑफ सडन बंद करना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे वाटर का लगवाता हूं ताकि वो स्टॉप हो जाए। सो ये जो चीज होता है उसको ब्रेकिंग नोजल या फिर ब्रेकिंग जेट बोलते हैं। ठीक है, थीके? जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये आगे घूम रही होगी तो ये स्टॉप हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग नोजल। अब इसकी ब्लेड कैसे होती है वो देख लेते हैं। इसकी ब्रेक इस तरीके से होती है, दो कप लगे हो गए आपको ऐसे लगेगा पूरा दो कप। तो ये आप जो देख रहे हैं ना उसका टॉप व्यू देख रहे हो इसकी ब्लेड का। तो इस तरीके से कुछ होती है, इस तरीके से लाइक ये लग रहा है कोई दो कप लगाए हुए है। ठीक है,
और ये बीच वाला पार्ट होता है ना, ये दो हेमिस्फेरिकल है, देखो इस एक हेमी सर्फेस, इस दोनों को डिवाइड करने वाला ये बीच वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं स्प्लिटर। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिटर। तो ये कुछ इस तरीके से आप टॉप व्यू देख रहे हो इसका, ठीक है। इसका मैं 3D व्यू बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, दिस इज द 3D व्यू। आप ये 3D व्यू देख रहे हो, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू, इसको डेप्थ में आप देखो तो पूरा ऐसा होगा, लाइक दिस। देखो मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं इस तरीके से, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला पार्ट होगा स्टीपर और नीचे ऐसा डेप्थ होगा। तो ये लगी कैसी होती है? तो लगी इस तरीके से नहीं होती है, लगी इस तरीके से होती है, लाइक दिस, लाइक दिस। और इस पे वाटर स्ट्राइक होता है और ये ऐसे चला जाएगा वाटर, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? इसका मैं आपको पिन करूंगा इमेज कि इसका ब्लेड एक्चुअली कैसा होगा, तो आपको पता चलेगा। सो ये जो ब्लेड है, इसकी पूरी जो ये होती है, उसको विथ बोला जाता है। दिस इज विथ एंड दिस इज लेंथ ऑफ द ब्लेड। डेप्थ क्या होता है उसका? डेप्थ अंदर वाला पार्ट के डेप्थ होगा ना। समझ में आया? इसको दो आप ऐसे कप समझ लीजिए, कप है, उसका डेप्थ होगा इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको आप इमेज देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो डोंट फॉरगेट टू सी द इमेज विच इज गोइंग टू बी पिन्ड इन कॉमेंट, ठीक है। तो इसको कॉमेंट में पिन कर दूंगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे फोर्स लगा तो किस तरीके से होगा? देखो यहाँ पे मैं स्प्लिटर पे इसको वाटर स्ट्राइक करूंगा, सो वाटर इस तरीके से स्ट्राइक आएगा और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये आगे की डायरेक्शन में क्या करेगा? इस तरीके से वाटर आने वाला है इसका, ठीक है। स्प्लिटर पे इस तरीके से बाहर निकलने वाला है। तो इस तरीके से हमें उसका पूरा का पूरा वाटर फ्लो का अरेंजमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से बाहर चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि सर इसका शेप क्यों इस तरीके से रखा हुआ है, इसका सब कुछ अलग तरीके से क्यों नहीं हो सकता? इसका शेप इसलिए इस तरीके से रखा गया है ताकि हमें पूरा का पूरा हमें जो फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, ठीक है। दैट्स व्हाई, दैट इज द लॉजिक कि इसको इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। दैट इज द रीजन। अब इसका हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करें तो इसका मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो इसमें कुछ इस तरीके से लाइन डायग्राम कर दिया इसका बकेट का। तो अब यहां पे जो वाटर आएगा वो तो ये देखिए, ये पूरा पार्ट, ये तो पूरा स्ट्रेट पार्ट है, इसको टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। तो ये तो लीनियर ट्रायंगल होने वाला है क्योंकि यहां पे कुछ एंगल बनेगा नहीं। तो ये पहला वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज दिस, ये पूरी जो वेलोसिटी होगी इसको क्या बोलूंगा? V1, क्योंकि यहां पे एंगल कुछ है ही नहीं। सो यहां पे अल्फा 1 और बीटा 1 क्या है? 0। लीनियर ट्रायंगल बनेगा। सो V1 EVW1 हो जाएगा, मैंने आपको पीछे समझाया। इतना आप U1 समझ लीजिए, दिस इज द U1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? VR1। सो VR1 यहां से मिल जाएगा, V1 में से, ये V1 है उसमें से U1 कम कर दीजिए तो ये VR1 हो जाएगा। सो इसका लीनियर ट्रायंगल ऐसा होगा। अब इसका आउटलेट ट्रायंगल, सो यहां से VR2 बाहर निकलेगा। सो मैंने इसको यहां पे सेपरेटली ड्रॉ किया ताकि आपको पता चल सके। तो इससे इस तरीके से इसका आउटलेट होगा VR2, फिर यहां पे क्या होगा? U2। VR2 और U2 को कनेक्ट कौन करेगा? V2। V2 के दो कंपोनेंट, वर्टिकल VF2 और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? VW2। VR2 ये कौन सा एंगल बनाएगा? बीटा 2। और V2 कौन सा बनाएगा? अल्फा 2। जो हम जानते तो सेम ही होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। एक लीनियर बनेगा और आउटलेट का कुछ इस तरीके से। अब इसमें फोर्स क्या होगा? तो इसमें फोर्स हमें पता है क्या होगा, याद कीजिए आप, ठीक है। सीरीज ऑफ कॉर्डवेन, तो क्या करते थे इसमें? सीरीज ऑफ कॉर्डवेन लूंगा मैं, तो इसमें सीरीज ऑफ है ब्लेड, तो यहाँ पे रोए, वहां पे हम रोए VR1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्लेड है। तो मास्पोरेटम क्या लेंगे? 100%। मैंने आपको लॉजिक समझाया हुआ है। सो मास्पोरेट क्या होगा? रोए V1 इंटू VW1 प्लस और माइनस VW2, ठीक है। ये जनरलाइज क्लेज है, मैंने आपको समझाया कि VW1 VW2 अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एडिशन होगा, VW1 VW2 सेम डायरेक्शन में होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो आउटपुट क्या होता है? फोर्स ये है VW1 प्लस, इससे वेलोसिटी हम ब्लेड की मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यू है। सो दिस इज पावर आउटपुट और अपन इनपुट काइनेटिक एनर्जी ऑफ नोजल। सो 1/2 mv2। सो 1/2 मास फ्लो रेट क्या होता है? रोए V1 इंटू V1 का स्क्वायर। सो रोए V1 कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा VW1 प्लस और माइनस VW2 U अपॉन V1 स्क्वायर। सो ये होता है पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी। अब उसको दूसरे टर्म में भी आप डिराइव कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने किस तरीके से लिखा हो, देखो ये 2 है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, VW1 है। सो VW1 कहना है, राइट VW1 एज अ V1। फिर इसको मैं प्लस वाला, चलो माइनस वाली साइन अभी भूल जाओ, ठीक है, अभी इसको प्लस समझो। प्लस VW2 क्या है? तो VW2 आप यहां पे अपनी फिगर पे देखिए, इतना है VW2। सो दिस इज इतना है वो VW2 है, ये VR2 है और बीटा 2 है। तो पूरा क्या हो जाएगा? VR2 और ये बीटा 2। तो इतना क्या हो जाएगा? VR2 cos बीटा 2। सो कहना है, राइट VW2 इज इक्वल टू VR2 cos बीटा 2। पर वो क्या होगा? वो पूरा होगा इतना, उसमें से इतना U2 सब्स्ट्रैक्ट कर दूं तो ये VW2 मिल जाएगा। सो माइनस क्या हो जाएगा? U2। ऐसा लिख सकता हूं, कैसे किया? ये VR2 है, ये एंगल बीटा 2 है, तो पूरा क्या हो जाएगा? VR2 cos बीटा 2। इसमें से U2 सब्स्ट्रैक्ट कर दिए तो VW2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, अब VR2 है, सो मुझे पता है VR2 इक्वल टू VR1, अगर मैं फ्रिक्शन लेस कंसिडर करूं तो VR1 इक्वल टू VR2 हो जाएगा। सो आई नो दैट, सो कैन आई राइट VR1 इक्वल टू VR2।
सो अगर ये वी आर वन इसको मैं लिख सकता हूं कोस बीटा टू, और यू टू को मैं यू वन लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यू वन इक्वल टू यू टू इक्वल टू क्या होता है, यू होता है। सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें नहीं होता है, वो होता है रेडियल, पर रेडियल तो है नहीं, तो इसमें सेम ही होगा। सो वी आर वन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वी वन माइनस यू कोस बीटा टू माइनस यू वन, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। सो कैन आई राइट वी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी वन माइनस यू कोस बीटा टू माइनस यू वन। सो ये देखिए आप यहां पे लिख दीजिए, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो वी डब्ल्यू टू इंटू वी डब्ल्यू वन की जगह पे क्या लिख सकता हूं, वी वन प्लस वी डब्ल्यू टू की जगह पे ये पूरा टर्म मैंने डिराइव किया, क्या होगा, वी वन माइनस यू कोस बीटा टू माइनस यू वन अपॉन ये नीचे का वाला पार्ट एज इट इज। तो इसको आप सोल्व कीजिए, यहां पे वी वन माइनस यू वन और यहां पे भी वी वन माइनस यू वन कॉमन निकलेगा। सो यू वन की जगह पे आप यहां पे यू लिखना हो तो लिख सकते हैं। सो यहां पे भी वी वन माइनस यू और ये वी वन माइनस यू कॉमन निकले, तो इस तरीके से आपका एफिशिएंसी का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां आप देखिए वी वन माइनस यू और यहां पे भी वी वन माइनस यू, सो टू इंटू वी वन माइनस यू बार, यहां पे बचेगा वन और यहां पे बचेगा कोस बीटा टू अपॉन वी वन का स्क्वायर। सो ये आपको दूसरी लैंग्वेज में भी आप इसकी एफिशिएंसी इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सो इसका ओवर वाला इक्वेशन है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, सो हाउ कैन आई फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो इस पूरे इक्वेशन को आप विथ रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट कीजिए और इसको जीरो के साथ इक्वेट कीजिए, तो इसका आंसर आएगा यू इज इक्वल टू वी वन बाई टू। तो यहां पे जहां पे भी यू है वहां पे वी वन बाई टू डाल दीजिए, तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी वन प्लस कोस बीटा बाई टू बाई टू। सो इसकी एफिशिएंसी होती है वन प्लस कोस बीटा टू बाई टू। अब ध्यान से देखिए, अगर बीटा टू जीरो हो जाएगा, अगर बीटा टू जीरो हो जाएगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि कोस जीरो क्या होता है साइन 91। इसीलिए आप देखिए कि इसको इसको इस तरीके से जितना हो सके इसको इस तरीके से डाउन करते हैं, क्योंकि यही तो आपका एंगल बीटा है। सो यही तो आपका एंगल बीटा है, तो इसको जितना कम किया जाए वो ट्राई करता है उसको कम करे, ठीक है, पर आप उसको एकदम जीरो नहीं कर सकते, वरना क्या होगा कि वो जो दूसरी ब्लेड आएगी उसके ऊपर वो अपोजिंग फोर्स लगे तो वो आगे आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो आपका पावर वेस्ट जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। That's why this is the maximum efficiency of 1 plus cos beta by 2. तो इस तरीके से पूरा इसका कैलकुलेशन होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Have a nice day, bye bye.